नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में और बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके बारे में। तो देखिए, मैं यहां पर वन डे का चार्ट लगाता हूं और वन डे के चार्ट में हम चलकर देखेंगे कि आज का जो हाई लो था वो देखिए किस तरह से था। तो यहां पर देखिए, जो आज का हाई जो लगा वो 30,600 का था और जो लगा वो 29,200 का, मीन्स हम कह सकते हैं यहां पर 1400 पॉइंट्स का जो है हमने यहां पर जो है मूवमेंट देखी है, नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ हमने यहां पर 1400 पॉइंट्स की मूवमेंट देखी। अब यहां पर देखिए, मैंने आप लोगों को क्लियर कट बताया था कि जब हम इस ट्रेंड लाइन के नीचे हम ब्रेक कर देंगे या फिर क्लोज हो जाएंगे तो हम यहां पर बिल्कुल बेरिश होने वाले हैं। और एक चीज मैंने आपको यहां पर और बताई थी कि ये देखिए, जो प्रीवियस डे की जो कैंडल आपको यहां पर दिखाई दे रही है, इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश की थी, बट मतलब यहां पर जो बायर्स यहां पर एक्टिव हो गए थे और बायर्स जो है खींच के इसको ऊपर की तरफ ले गए। फाइनली देखिए, आज जो स्टार्ट की जो ओपनिंग थी, देखिए 15 मिनट के चार्ट में आपको लेकर चलूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, ये जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी हुई है, ये तो वो ट्रेंड लाइन है। अब देखिए, यहां पर जो ये गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, तो यहां से मे भी लग रहा था कि ये बाउंस बैक हो सकता है, बिकॉज एक सपोर्ट लेवल था 30,300 के आसपास, 30,300 से 30,400 के बीच यहां पर जो एक सपोर्ट लेवल था। सो मे भी यहां पर लग रहा था कि यहां पर एक बाउंस बैक हो सकता है, बट अगर ये 30,600 का लेवल निकालता तो हम ऊपर की तरफ जाते। अदरवाइज यहां पर देखिए, हमने जैसे ही 30,400 का लेवल ब्रेक किया, 30,300 का लेवल जैसे ही ब्रेक किया, तो वहां पर देखिए हम कंटिन्यू एक सीधा ही बहुत तेज गिरावट हमको यहां पर देखने को मिली। और मे भी यहां पर आप लोगों ने शायद बहुत अच्छे पैसे बनाए होंगे, मैंने आप लोगों को टेलीग्राम में भी कंटिन्यू चार्ट अपडेट कर रहा था। देखिए, मैं मार्केट ओपन होते के सार ही, मतलब मैंने आज जो है आप लोगों को जो कॉल दी थी वो 11 बजे के 10:30 या 11 बजे आपको पहला चार्ट पोस्ट किया था और वहां पर आपको मैंने क्लियर कट इंडिकेट कर दिया था कि अगर ये डे हाई ब्रेक करता है तब हम ऊपर की तरफ देखेंगे, अगर ये डे लो ब्रेक करता है तो हम सीधा नीचे की तरफ जाने वाले हैं। सो अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, अब यहां पर जो मैंने आप लोगों को कल बताया था कि अगर 30,300 के नीचे अगर ये निकलता है तो यहां पर एक बहुत तेज जबरदस्त फॉल देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो देखिए, इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद देखिए ये जो है मतलब 30,300 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था, बट फाइनली देखिए ये सपोर्ट जो है काम नहीं किया और कंटिन्यू यहां पर जो है गिरावट देखने को मिली। अब मैंने आप लोगों को चीज एक और बताई थी कि यहां पर देखिए हम एक नेगेटिव डाइवर्जेंस देख रहे हैं। अगर आप आरएसआई में यहां पर ध्यान देंगे, आरएसआई यहां पर देखिए कंटिन्यू यहां पर लोअर लो बना रहा था, जबकि यहां पर मार्केट कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रही थी। सो आरएसआई का ये इंडिकेट होता है कि मतलब अब मार्केट जो है नीचे की तरफ जा सकती है। सो मैं यहां पर आप लोगों को बार बार बता रहा था कि अगर बायर है और आप पोजिशन में है तो यहां पर आप अलर्ट हो जाइए, यहां पर मार्केट में अगर ये ट्रेंड लाइन टूटेगा तो यहां पर एक जबरदस्त डाउनफॉल आ सकता है। सो यहां पर मतलब देखिए आज जो डाउनफॉल देखने को मिला, बहुत जबरदस्त डाउनफॉल देखने को मिला। अब देखिए मे भी यहां पर एक दिन, दो दिन, चार दिन, पांच दिन मार्केट यहां पर साइडवेज हो सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है यहां पर एक डोजी कैंडल बनाने के बाद फिर ये लेवल ब्रेक करे। तो यहां पर कल अगर हम देखें तो कल मार्केट में थोड़ी वॉलिटिलिटी हो सकती है, तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा। चलिए हम 30 मिनट के चार्ट में आज चलेंगे और देखेंगे, क्योंकि देखिए 30 मिनट का चार्ट इसलिए आज मैंने सिलेक्ट किया है क्योंकि देखिए 15 मिनट के चार्ट के जो भी लेवल थे वो सारे ब्रेक हो चुके हैं, तो अब हम इसके नीचे हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए यहां पर देखिए हमारे पास एक सपोर्ट है, जहां पर मैंने ये सपोर्ट लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है, यहां पर हमारे पास एक सपोर्ट है और हम मे बी उसके कहीं आसपास ही हैं। अब देखिए यहां पर अगर कल यहां पर थोड़ी देर सस्टेन होने के बाद या फिर यहां पर रेंज बनती है, रेंज बनने के बाद अगर हम ऊपर की तरफ ब्रेक करते हैं तो मे भी देखिए अगर ऊपर की तरफ आप एंट्री ले रहे हैं, बाइंग की पोजीशन बना रहे हैं, तो वहां पर आप छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करिएगा, बिकॉज देखिए अब हम सेल साइड में आ चुके हैं और अब हम सेल साइड का ट्रेड लेकर यहां पर आराम से बैठ सकते हैं, लोअर लो लोअर हाई कंटिन्यू बनते हुए देख सकते हैं। बट अगर यहां पर देखिए बाइंग की ट्रेड, यहां पर सिर्फ एक करेक्शन होगी, जो करेक्शन ऊपर की तरफ जाएगी वही एक बाइंग की ट्रेड होगी, अदरवाइज यहां पर हमको अब जो है सेल की अपॉर्चुनिटी यहां पर हमको जो है ढूंढनी है। अब देखिए अब यहां पर अगर हम फ्लैट ओपन होते हैं तो फ्लैट ओपन होने के बाद अगर इस लेवल को ब्रेक करते हैं तो यहां पर देखिए 29,200 का लेवल जैसे ब्रेक होगा तो हम वहां पर एंट्री ले सकते हैं। सेकंड, यहां पर देखिए अगर रेंज बनती है, रेंज बनने के बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो वहां पर आप मे भी 40 से 50 पॉइंट के लिए ऊपर की तरफ जा सकते हैं। ऊपर का जो रेजिस्टेंस दिख रहा है वो 29,850 के आसपास ऊपर का रेजिस्टेंस है, तो 29,850 के आसपास यहां पर जो है सेलिंग आ सकती है। दूसरा देखिए यहां पर क्या हो सकता है, मान लीजिए यहां पर गैप अप ओपनिंग हो, जिसके बहुत कम चांस लग रहे हैं, अगर यहां पर आपके पास गैप अप ओपनिंग होती है, गैप अप ओपनिंग होने के बाद ये 29,850-870 के लेवल पर मिलता है तो ये हमारा एक सेलिंग जोन है, तो यहां पर जो है हम यहां पर सेल का ट्रेड बना सकते हैं। अदरवाइज यहां पर कुछ ज्यादा ही मतलब मार्केट में तेजी आ जाती है या फिर यहां से पोजीशन कवर होती है तो इस लेवल के आसपास 30,300 एक क्लियर कट लेवल है सेल के लिए, ये हमारा टोटली सेलिंग जोन है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, मार्केट आपको जब भी इस लेवल के आसपास मिले, 30,300 के लेवल के आसपास मिले, आप क्लियर कट यहां पर सेल करिए, ये मार्केट जो है बिल्कुल देखिए ये लेवल जो है बिल्कुल सेल के लिए है, ठीक है। दूसरा देखिए, बाइंग के लिए हमको जो है
सपोर्ट देखिए हमारे पास अभी बहुत सारे हैं। अगर मे बी यह 330 का लेवल ब्रेक करती है तो हम यहाँ पर देखिए 28,900, 28,900 के बाद यहाँ पर 28,600 का लेवल यहाँ पर देख सकते हैं। तो लेवल देखकर ट्रेड करिएगा, विदाउट लेवल ट्रेड मत करिएगा। चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी में जो स्टॉक ट्रेड करते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हमारा स्टॉक है एक्सिस बैंक। देखिए एक्सिस बैंक में आप लोग कंटिन्यू बता रहा था कि यहाँ पर रेंज बन रही है और 590 के नीचे ही हम यहाँ पर सेल करने वाले हैं। तो देखिए फाइनली 590 का लेवल ब्रेक हो चुका है। अब कल के लिए हम यहाँ पर अगर 580 के निकलते हैं तो आप 580 के नीचे आप यहाँ पर ट्रेड बना सकते हैं। 570 पे हमारा यहाँ पर टारगेट होने वाला है। नेक्स्ट है हमारा बंधन बैंक। तो बंधन बैंक भी देखिए फाइनली देखिए आपको मैं कंटिन्यू यही बता रहा था कि जब तक हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब तक हम बुलिश हैं, या फिर यहाँ पर देखिए मैं 395 का लेवल दिया था। अगर 395 का लेवल ब्रेक होता है तो आपको 390 का टारगेट मैंने बताया था। तो फाइनली यहाँ पर देखिए जो लो लगा यहाँ पर 367 का लगा, बहुत जबरदस्त यहाँ पर मतलब प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर देखने को मिली है। देखिए आज जो बैंक निफ्टी को जिसने बचाया उसने वो है एचडीएफसी बैंक। सिर्फ देखिए एचडीएफसी बैंक ही एक ऐसा स्टॉक रहा जिसने अपनी रेंज ब्रेक नहीं की। इसने ना तो ऊपर की तरफ रेंज ब्रेक की ना ही नीचे की तरफ ब्रेक की। मोस्टली सारे बैंकिंग स्टॉक्स ने जो है आज अपनी रेंज ब्रेक कर दी है, या अपनी ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी है, या जो भी अपने सपोर्ट लेवल थे वो ब्रेक कर दिए हैं। बट सिर्फ एचडीएफसी बैंक ही ऐसा बैंक था आज जिसने मतलब अपने आप को बचाए रखा। सो यहाँ पर अब देखिए 1350 का यहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 1350 का लेवल यहाँ पर ब्रेक होता है तो हम यहाँ पर 1300 के टारगेट के लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा आईसीआईसीआई बैंक। तो आईसीआईसीआई बैंक ने भी देखिए फाइनली अपना यहाँ पर जो सपोर्ट जोन था इसका 4500 के आसपास, उसके नीचे क्लोजिंग दे दी है आज। तो यहाँ पर देखिए कल के लिए क्या करना है, यहाँ पर अब कल 490 रुपए के नीचे आप यहाँ पर बेयरिश हो सकते हैं। 490 के नीचे आप सेल ट्रेड बना सकते हैं और मे बी टारगेट देखिए हम एक्सिस बैंक में इस टारगेट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं 470 के टारगेट को। अगर 490 का लेवल ब्रेक होता है तो हम यहाँ पर 470 का टारगेट देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंडसइंड बैंक। तो इंडसइंड बैंक के लिए भी देखिए जो लेवल था 880 का लेवल इंपॉर्टेंट था। और देखिए मैंने आपको बताया था कि ये जैसे ही 900 के नीचे की क्लोजिंग देता है, कोई भी 5 मिनट की कैंडल अगर 900 के नीचे की क्लोजिंग देती है तो आप उसके नीचे आप सेल का ट्रेड बना सकते हैं। और फाइनली देखिए जो इसका लो लगा वो फाइनली 810 का लगा, तो 810 ही हमारा टारगेट था। 810 का यहाँ पर लो लग चुका है। अब देखिए हमको कल क्या करना है, अगर ये 840 के नीचे निकलता है तो हम यहाँ पर देखिए इस ट्रेंड लाइन के आसपास हम आ सकते हैं। तो इसी का ध्यान रखिएगा, कल आ जाए परसों आ जाए 4 दिनों में आए, बट हम इस ट्रेंड लाइन के पास आ सकते हैं। बिकॉज इस ट्रेंड लाइन के आसपास अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक सपोर्ट जोन भी है और ये ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है। सो यहाँ पर आने के बाद हम बाउंस बैक कर सकते हैं। फिलहाल अभी इसमें बाइंग का ट्रेड बिल्कुल मत बनाइएगा। नेक्स्ट है हमारा कोटैक बैंक। तो कोटैक बैंक देखिए कोटैक बैंक और एचडीएफसी बैंक, सॉरी मैंने कोटैक बैंक कहना मैं भूल गया, कोटैक बैंक और एचडीएफसी बैंक ही दो ऐसे स्टॉक्स थे जिन्होंने मतलब आज ज्यादा गिरावट हमको देखने को नहीं मिली है। अब देखिए यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है, मे बी यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होती है तो ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद हम यहाँ पर 1815 का लेवल बहुत जल्दी देखेंगे। तो यहाँ पर अभी कोई भी ऐसा ना सोचे कि मतलब ट्रेंड लाइन आने के यहाँ पर ट्रेंड लाइन के आसपास बाउंस बैक हो सकता है। मे बी यहाँ पर देखिए मार्केट बेरिश है, सो ये ट्रेंड लाइन टूट सकती है और इस सपोर्ट के आसपास शायद हम आकर बाउंस बैक करें। नेक्स्ट है हमारा आरबीएल बैंक। तो आरबीएल बैंक में जो जबरदस्त यहाँ पर देखिए मूव देखने को मिली है, क्योंकि यहाँ पर देखिए फाइनली जो मैंने आपको बताया था कि 230 के नीचे की क्लोजिंग की जो है इसको लेकर जाएगी कहां तक, 200 तक। तो यहां पर देखिए जो फ्राइडे की जो कैंडल क्लोज हुई थी उस कैंडल का जो लो लगा था 225, तो मैंने यहां पर क्लियर बताया था आपको 225 के नीचे आप यहां पर सेल के लिए जाए। यहां पर देखिए एक मैंने आपको क्लियर कट बताया भी था कि यहां पर देखिए आपको बाइंग के लिए बिल्कुल नहीं देखना है, आपको यहां पर सिर्फ सेल के लिए देखना है। सो यहां पर अगर आप लोगों ने ट्रेड लिया होगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने बहुत अच्छे पैसे बनाए होंगे। नेक्स्ट है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी देखिए फाइनली जो है अपना रेंज ब्रेक कर दिया है। अब इसके लिए नेक्स्ट टारगेट जो है वो देखिए अपने टारगेट के आसपास ही है। एक मिनट में इसको जो है लेवल सेट कर लेता हूं। तो देखिए अब अपने जो है सपोर्ट के आसपास ही है। अब अगर ये देखिए इसके लिए जो लेवल इंपॉर्टेंट है वो 250 का लेवल, 250 के लिए एक इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर 250 का लेवल ब्रेक होता है तो मे बी हम यहाँ पर 230 के लिए आ सकते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। सेकंड देखिए अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप हमारे ट्रेड अगर चाहते हैं, जो पर्सनल ट्रेड मैं करता हूँ वो पर्सनल ट्रेड आप चाहते हैं, तो आप हमारे साथ एंजल ब्रोकिंग में अलाइस ब्लू में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के बाद आपको पर्सनल ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। सेकंड अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उस चैनल में देखिए आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। वहां पर मैं कंटिन्यू बैंक निफ्टी की जो है चार्ट पोस्ट करते रहता हूँ, एक एक घंटे पे आधे आधे घंटे पे, जो भी मार्केट में जो सपोर्ट बन रहा होता है, जो रेजिस्टेंस बन रहा होता है, या जो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है, या ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, वो सारी चीजें मैं वहां पर पोस्ट करता रहता हूँ। तो वहां पर मैं कुछ कॉल भी देता रहता हूँ, वो चीजें अगर आपको देखिए अच्छी लगे तो आप जरूर ज्वाइन करिए। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद।